चलिए निम्स सेट के एक और टॉपर से मिलते हैं जिनकी रैंक है ऑल इंडिया 124 मौसमी, जो कि उड़ीसा से हैं और इन्होंने टॉप ईयर के साथ ये रैंक अचीव की है और भोपाल में आके प्रिपरेशन की, उड़ीसा से भोपाल आए और यहाँ 1 साल अपना पूरा दिया और इतनी अच्छी रैंक अचीव की। तो सबसे पहले बेटा इस रैंक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन। सर। तो मौसमी, अभी आपको अपनी ये जो रैंक है, आपने ड्रॉप लिया था, बीच में बहुत स्ट्रेस भी रहा, तो अभी कैसा लग रहा है इस रैंक के बाद? बहुत खुश लग रहा है। पहले तो मेरी जो ड्रॉप साल थी, तो मैं इसी साल में मेरे साथ बहुत सारे तकलीफ भी हुआ है, उसके बावजूद भी मैंने बहुत आगे बढ़ी और ये रैंक अचीव करी सिर्फ आपकी वजह से। आपको तो बहुत बहुत थैंक यू। तो मौसमी, आपकी जो इंटायर सक्सेस जर्नी, क्योंकि लास्ट ईयर भी आपकी रैंक करीब 1100 के आसपास थी जब आपने फाइनल ईयर के साथ दिया था, पर उस रैंक पे कॉलेज नहीं मिलना था, फिर ड्रॉप लिया। नो डाउट मुझे आपकी पूरी प्रॉब्लम पता है, बीच में अलग अलग टाइप की सिचुएशन फेस की, बहुत ही अप डाउन्स भी आए, सब कुछ हुआ, पर उसके बाद भी कहीं ना कहीं एक लगन और मेहनत रंग लाती है। तो आपकी जो इंटायर सक्सेस जर्नी है, मैं कहूंगा उसको आप डिस्क्राइब करो। कब जब निमसेट के मैं लिए सोचा था, फिर कैसे प्रिपरेशन किया, फिर ड्रॉप लिया, तो उसके लिए फिर भोपाल आना, भोपाल एक्सपीरियंस, सारी चीजें। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतना सही नहीं था। जब मैं पिछले साल सोची थी कि निमसेट करूं, फिर मेरे पेरेंट्स सोचे थे कि बाहर जगह जाएगी बेटी, और लड़की बाहर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है घर वाले के लिए कि लड़की को बाहर भेजना है इतने दूर। फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम के साथ मैं गई थी। जब मेरी रिजल्ट थोड़ा डाउन आया था तो मैंने बोली थी कि रिजल्ट डाउन आ गया, बट मेरी पेरेंट्स हार नहीं माने थे। उनको लगा था कि मैंने अगर दोबारा अटेम्प्ट करी तो हो जाएगा, तो फिर दोबारा अटेम्प्ट करने के लिए भी पैसा की जरूरत थी। तो फिर पेरेंट्स थोड़ा पीछे हट रहे थे थोड़े कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फिर से दोबारा पढ़ना है, बाहर जाके इतने पैसा खर्चे होगी। फिर भी मैंने हिम्मत जुटा के गई थी पढ़ने, और वहां रहने के बाद फिर धीरे धीरे मेहनत इतना बढ़ने लग गई थी कि मेरे मन में होप आ गया था कि मेरी हो जाएगा सिलेक्शन। तो जब ड्रॉप लेने का डिसीजन बना लिया था, पढ़ाई करी थी, तो बीच में जो आपको स्ट्रेस आया, जो अप डाउन आया, उसको कैसे हैंडल किया? क्योंकि कई लोग हैं ना, स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते, तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप बताएं कि आपने उस सब सिचुएशन को कैसे फेस किया। जब मेरी स्ट्रेस आता था तो मैं सोचती थी कि अगर मेहनत करते रहेंगे तो एंड पे जरूर सक्सेस मिलेगी। और आपकी एक बात हमेशा ध्यान आ रही थी, जो एंड तक टिक के रह जाएगा, जो एंड तक मेहनत करेगा, उसका रिजल्ट कभी अनसक्सेस नहीं होगी। बस वही बात को मेरे दिमाग में रखी थी और मैं एंड तक, बस यही था मेरे दिमाग के, मैं एंड तक मेहनत करती जाऊंगी, रिजल्ट जो भी होगा देखा जाएगा। इम्पेटस में कई बार ऐसा भी हुआ था मेरी रिजल्ट डाउन हो जाता था। मोस्टली मेरे इंपेटस में रैंक 150 के अंडर आ जाता था। जब मेरी 100 के आसपास हो जाता था, कभी कभी मैं डिमोटिवेट हो जाती थी कि कैसा होगा अब मेरा सिलेक्शन, कैसे होगा, इतना रैंक पीछे आ रहा है। बट हमेशा आपकी एक ही बात मेरे दिमाग में आ रहा था कि मैं एंड तक मेहनत करती रहूंगी, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो मौसमी, ये बताओ आपका, कि आप तो भोपाल में रहे हो 1 साल, कि भोपाल का आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा? और आप इतनी दूर से आए, कई लोग पैर कई बच्चे दूर से निकल नहीं पाते, पर इम्पिटस की अच्छी बात है कि इम्पिटस में इंडिया भर के हर जगह के बच्चे हैं, इतनी दूर दूर के, हर ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसा कोई स्टेट नहीं होगा जहाँ का बच्चा नहीं होगा। तो क्योंकि जब निकलते हैं इतनी दूर, तो कई बार स्ट्रेस होता है, पेरेंट्स को भी होता है, तो आपका भोपाल एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहली बात तो इम्पिटस एक घर जैसा लगा था हमें। हमें पता नहीं चला कि हम घर से बहुत दूर रह रहे, क्योंकि सुबह 7:30 बजे से आके रात 9:30 बजे तक तो वहीं से पढ़ाई करना, घर जैसा माहौल बन के रहना बहुत अच्छा लगा था। हमें कभी फील ही नहीं हुआ था कि हमारी पेरेंट्स यहाँ नहीं है। और आप इतना हंसी मजाक से पढ़ाते थे, इतना मस्ती हो रहा था, पढ़ाई को हम बहुत प्ले जैसा ले गए थे कि मस्ती कर रहे हैं, सर भी है। हमें कभी ये पता नहीं चला था कि आप हमारे सर हैं, क्योंकि हमें लगा था कि फ्रेंड के पास हम पढ़ने ही जा रहे हैं और दिन भर वहां टाइम अच्छे से स्पेंड भी हो जाता था, पढ़ाई भी होती रहती थी। बिल्कुल सही बात है, पढ़ाई को स्ट्रेस लेके करने का कोई फायदा नहीं होता, जितने हम रिलैक्स माइंड से पढ़ाई करते हैं उतना अच्छा हमेशा रिजल्ट आता है। और इम्पिटस की कोशिश ये होती है कि, इसलिए नाम भी इम्पिटस गुरुकुल के, गुरुकुल जैसा हो जहाँ बच्चे पढ़ भी पाए, अपने आप को रिलैक्स भी फील कर पाए, अच्छा रिजल्ट भी दे पाए, मुझसे भी आसानी से बात कर सकें, दोस्तों से भी कर सकें, तो ये सारी चीजें एनवायरमेंट हमारी बनाए मेहनत ऐसा है। कभी
ऐसा नहीं था कि सर के पास जाएंगे, सर डांटेंगे कुछ बातों को लेके। आप हमेशा हर बात को इतना अच्छे से समझ लेते थे, यही बहुत अच्छा लगता था कि पेरेंट्स ना होते हुए भी हमें कभी फील ही नहीं हुआ कि हमारे पेरेंट्स नहीं है। फाइनेंशियल से शुरू करके पर्सनल प्रॉब्लम तक हर बात को आप अच्छे से समझते थे हमारे। तो मौसमी ये बताओ, अपने जूनियर को क्या मैसेज देना चाहोगे, स्पेशली गर्ल्स को, और जो गर्ल्स ड्रॉप लेने से कई बार बचती है उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? मैं तो यही बोलूंगी जूनियर्स को, मेहनत करते रहना, इम्पिटस की रैंक। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सर जो कि रैंक की वजह से सोच लेते हैं कि रैंक क्या होगी क्या नहीं, हम सिलेक्शन होगा कि नहीं, ये सब में ध्यान ना देके बस एंड तक मेहनत करनी चाहिए। और बाकी ड्रॉप लेने में जो डरते हैं, मैं तो यही बोलूंगी इम्पिटस बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, घर जैसा है, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, और आप जहाँ हो वहां पे तो सक्सेस जरूर मिलेगी। ड्रॉप लेने की मतलब पीछे हटने की कोई इरादा ही नहीं है। बिल्कुल सही बोला। तो मौसमी ये बताइए कि मम्मी, आपकी मम्मी है अभी, यस सर उनको सर, भी बुलाओ, उनसे भी मिलना चाहूंगा। जी नमस्कार, नमस्ते जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। देखिए मौसमी ने अच्छा रिजल्ट लाया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही बीच में, पर उसके बाद भी एक अच्छा रिजल्ट सारी चीजें सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देता है, और वो हुआ। तो अब आप क्या कहना चाहोगे? सर क्या कहूँ, सबसे पहले आपको थैंक यू बोलना चाहिए, तो जगन्नाथ जी का आशीर्वाद से, आपकी मेहनत से, और मौसमी का जो उसका अपना भी उसका बहुत भी मेहनत मेहनत। था जी। हाँ जी सर, इतना मेहनत से उसका रिजल्ट आज सक्सेस हुआ। तो सबसे पहले क्योंकि सर जो आपका जो मेहनत है ना, इसलिए मैं थैंक यू बोलना चाहिए। जी, थैंक यू। चलिए अब आप भोपाल आने ही वाले हैं, अभी हमारी मुलाकात होगी अवार्ड सेरेमनी में फिर से। तो वंस अगेंस्ट बेटा कॉन्ग्रेचुलेशन, अब बहुत आगे बढ़ना है और अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अब आपको समझ में आ गया कि परिस्थिति कैसी भी हो हम उसे कैसे हैंडल करते हैं, सक्सेस इस पे डिपेंड करती है। कोई बोलता है कि मैं फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से कुछ नहीं कर पाया, इस वजह से, सब गलत बात है। अगर किसी ने ठान लिया कुछ करना है तो कर सकता है, और उसके एक आप अच्छे एग्जाम्पल भी हो। तो ऐसे एग्जाम्पल बनो, आप जिस जगह से आए हो वहां के बच्चों को भी मोटिवेट करो, और अभी NIT में भी जाके ऐसे ही परफॉर्म करना है। वंस अगेंस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक बेटा, थैंक यू।